लेकिन जब जब मैंने ये बात बोली है ना, तो लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आखिर सिस्टम क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सिस्टम्स मेरे पास जो हैं उनमें से एक कमाल का सिस्टम देने वाला हूँ, जिस सिस्टम का नाम है काइज़न। आपने बहुत बार मुझे ये बोलते हुए सुना होगा कि कामयाबी का कोई सीक्रेट नहीं होता है, कामयाबी के लिए एक सिस्टम होता है। देर इज़ नो सीक्रेट टू सक्सेस बट देर इज़ अ सिस्टम टू सक्सेस। लेकिन जब जब मैंने ये बात बोली है ना, तो लोगों ने मुझसे ये पूछा कि आखिर सिस्टम क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सिस्टम्स मेरे पास जो हैं उनमें से एक कमाल का सिस्टम देने वाला हूँ, जिस सिस्टम का नाम है काइज़न। काइज़न काइज़न एक जापानी शब्द है जो दो शब्दों को मिला के बना है, काई एंड ज़ेन। काई का मतलब है चेंज या फिर बदलाव, ज़ेन का मतलब है बेटर, बेहतर। तो चेंज फॉर द बेटर, दिस इज कॉल्ड काइज़न। और एक छोटा सा एक शब्द काइज़न, इसने दुनिया की मालूम नहीं कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कंपनीज लाइक टोयोटा, कैनन, नेस्ले और मालूम नहीं कितनी और अनगिनत कंपनीज हैं जिन्होंने इस काइज़न फिलॉसफी को अपनी वर्किंग में अडॉप्ट किया, एंड टुडे दे आर लीडिंग कंपनीज इन देयर फील्ड। पर्सनली मैं पिछले कई सालों से इस काइज़न प्रिंसिपल को यूज़ कर रहा हूँ और इसने मुझे कमाल के परिणाम दिए हैं। और अगर आप यूट्यूब पर सिर्फ ये काइज़न शब्द लिख देंगे ना, तो काइज़न के बारे में आपको दुनिया भर का ज्ञान आपको बहुत सारे वीडियोज़ में मिल जाएगा। लेकिन दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट व्हाट इज़ काइज़न, ये वीडियो है आप कैसे अपनी ज़िंदगी में काइज़न के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सपनों को जल्दी पूरा कर सकते हैं। बिकॉज मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य बहुत साफ है, आप आगे बढ़ने चाहिए। इस वीडियो में मैंने इस काइज़न की जापानीज फिलॉसफी को बहुत सिंप्लीफाई किया है और आपको 6 सरल स्टेप्स में इस फिलॉसफी को इस तरह से दिया है कि अगर सीढ़ी दर सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करेंगे आप, तो आप जो भी अचीव करना चाहें आप उसे जल्दी अचीव कर सकते हैं। और ये 6 स्टेप्स को आप हमेशा याद रखें, इसके लिए मैंने इसको नाम दिया है 6S, 6S ऑफ काइज़न। और ये जो काइज़न कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत पुराना है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था और जापान को रिकवर करने की और दोबारा से खड़ा करने की ज़रूरत थी, और जापान को दोबारा से विश्व युद्ध के बाद में खड़ा करने में इस एक काइज़न कॉन्सेप्ट ने बहुत मदद किया था। और ये काइज़न के कोर प्रिंसिपल को आप समझिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई में स्टडीज़ में टॉप पर जाना चाहते हैं, या आप अपनी जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, या आप किसी भी प्रोफेशन में एक्सेल करना चाहते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सेलर हैं, या फिर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, या आप एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर आप 1,000 करोड़ की कंपनी चला रहे, आप इस काइज़न के प्रिंसिपल को समझिए। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? वेरी सिंपल, काइज़न सेज वी कैन क्रिएट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बाय मेकिंग स्मॉल ऑनगोइंग चेंजेस। हम बहुत बड़े बड़े और लगातार होने वाले इंप्रूवमेंट्स, बेहतरी को बना सकते हैं। कैसे? छोटी छोटी सी, एकदम टाइनी टाइनी सी दिखने वाली चेंजेस के साथ, राइट? और इस कॉन्सेप्ट में एक और बात छुपी है, क्या? हर इंसान, हर प्रोसेस और हर कंपनी बदलाव कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, प्रोग्रेस कर सकती है। तो आइए जल्दी से एक एक करके काइज़न के इन 6 स्टेप्स को, 6 सीढ़ियों को समझते हैं। और अगर आप इन्हें समझ गए और आपने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो आपको अगले कुछ घंटों में और अगले कुछ दिनों में ही परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। काइज़न की फिलॉसफी का पहला एस है स्कैन। स्कैन, स्कैन मतलब होता है बारीकी से जांच करना। तो आपको अब बारीकी से जांच करनी है, किसकी? अपने एनवायरमेंट की। आपके दोस्त कौन से हैं, कहाँ आप काम करते हैं, किस जगह पे बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। आपको अपने ज़िंदगी के हर पहलू को स्कैन करना है। आपके रिलेशनशिप्स, आपके दोस्त, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपकी दिनचर्या, सुबह से शाम आपका दिन कैसे निकलता है, आपके प्रोसेसेस, आपका एनवायरनमेंट, एवरीथिंग A to Z यू नीड टू स्कैन। आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स के पास चले जाइए जो शायद 20-20 सालों से पेशेंट्स को देख रहे हैं, लेकिन वो आपको आपकी बीमारी का डायग्नोसिस तब तक नहीं देते हैं जब तक वो आपसे स्कैन्स नहीं करवा लेते, राइट? सो स्कैन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सही समस्या तक पहुंच पाएंगे। वैसे मैं आपको आज 6 स्टेप्स बताने वाला हूं, लेकिन ये सिर्फ एक इकलौता स्टेप ही आपको आईना दिखा देगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा है यार मैं समय बर्बाद करता हूँ या मुझे वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, आप स्कैनिंग करनी शुरू करो। ये पहला स्टेप जो मैं बता रहा हूँ उसको आप दिल से फॉलो करो। सिर्फ स्कैनिंग आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकता है। अब इस हमारी काइज़न फिलॉसफी में दूसरा एस क्या है, दूसरी सीढ़ी, दैट इज कॉल्ड सोर्ट। सोर्ट मतलब छांटना।
अब आपने स्कैन कर लिया, आप क्या करते हैं, किन लोगों के साथ करते हैं, समय कहाँ बिताते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन से रिलेशनशिप्स हैं, एवरीथिंग यू स्कैन्ड। अब क्या करेंगे, अब आप इसे सॉर्ट करेंगे, अब आप छांटेंगे क्या ज़रूरी है क्या नहीं है ज़रूरी, क्या इम्पॉर्टेंट है एंड क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, कौन सी एक्टिविटीज़, कौन से लोग आपको अपने सपनों की तरफ आगे लेके जा रहे हैं और कौन से हैं जो पीछे लेकर जा रहे हैं और शायद कुछ ऐसे हैं जो कोई खास भूमिका नहीं निभा रहे हैं। आपको हर चीज़ पे सवाल करना है, हर चीज़ को रिव्यू करना है एंड यू नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट, यू नीड टू सॉर्ट सो मेनी कंपोनेंट्स ऑफ योर लाइफ। सो दिस इज सेकेंड एस ऑफ काइजन। तीसरा एस क्या है, सेट इन ऑर्डर। आपने स्कैन कर लिया, अब आपके सामने सब खुला है, उसके बाद आपने सॉर्टिंग कर लिया इम्पॉर्टेंट नॉन इम्पॉर्टेंट, क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी है। अब आप क्या करेंगे, जो जो ज़रूरी है उसको अब आप ऑर्डर में सेट करेंगे, आप अपनी दिनचर्या को, अपनी लाइफ को इस तरह से सेटल करेंगे, इस तरह से एस्टैब्लिश करेंगे कि जो जो ज़रूरी है उसको उसमें जगह मिलनी चाहिए। एक रूल बहुत सिंपल है, एवरीथिंग इन इट्स ओन प्लेस एंड अ डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर एवरीथिंग, everything in its place and a place for everything। वो सारी activities, वो सारे काम, वो सारे processes, वो सारे लोग, वो सारे tools जो आपके सपनों के लिए ज़रूरी हैं, आपकी growth के लिए ज़रूरी हैं, they should be set in right order, 1, 2, 3, 4, 5, 6 like that, right? They should be given priority। आपकी time, energy, attention, focus वहीं जाना चाहिए जहाँ से आपको परिणाम आएंगे। ये काम आप करेंगे किसमें, sorting में एंड देन किसमें, setting in order में, right? चौथा S, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज शाइन। अभी तक जो आपने किया वो क्या था, स्कैनिंग, सॉर्टिंग, सेटिंग इन ऑर्डर। अब थोड़ा काम पे लगते हैं, चीज़ों को ट्राई करके देखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, अमल में लेके आते हैं, चाहे वो सोना हो चाहे वो हीरा हो। चमक कैसे आती है, चमक आती है जब काम होता है, चमक आती है जब थोड़ा सा घिसा जाता है उसको, राइट, यू नो दैट इज द वे टू शाइन माई डियर फ्रेंड्स, राइट। सो यू नो टू शाइन, शाइन का एक और मतलब है सफाई। महात्मा गांधी बोला करते थे, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, सफाई भगवान के बाद आता है, राइट, इतना इंपॉर्टेंट है। भगवान के बाद अगर कोई दूसरी चीज़ आती है, पूजा के बाद कोई दूसरी चीज़ आती है, तो वो क्या है, क्लीनलीनेस, सफाई। यू नीड टू क्लीन योर एनवायरमेंट, यू नीड टू क्लीन योर प्रोसेसेस, आपको सफाई करना है। और एक और चीज़ की सफाई करिए, किसकी, आपके माइंड की, आपके ब्रेन की, आपके थॉट्स की, आपके विचारों की, आपके बिलीव्स की, बिकॉज क्लैरिटी प्रोसीड सक्सेस, पहले क्लैरिटी आएगी उसके बाद कामयाबी आएगी, राइट। सो शाइन, दिस इज द फोर्थ एस ऑफ काइजन। पांचवा, स्टैंडर्डाइज, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। कामयाब होना जरूरी है, लेकिन ये समझना कि मैं क्यों कामयाब हुआ, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। और अगर आपको ये बात समझ आ गई कि आप क्यों कामयाब हुए, उसके बाद आपने उन चीज़ों को ज़्यादा करना है जिन चीज़ों से रिजल्ट आ रहे हैं, और जिन चीज़ों से परिणाम नहीं आ रहे उनको कम करना है। तब आपको करना क्या है, आपको अपने रिजल्ट्स को चेक करना है, और अपने रिजल्ट्स के बेस पे अब आपको दो में से कोई एक चीज़ करनी है हर एक्टिविटी के साथ, हर इंसान के साथ, वो क्या है, रेपिटिशन और डिलीशन। जो लोग, जो काम, जो एक्शन, जो एक्टिविटीज़ आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, उनको क्या करेंगे, आप रिपीट करते जाएंगे, लगातार दोहराएंगे। और वो लोग, वो प्रोसेसेस, वो सिस्टम्स, वो एनवायरनमेंट जो आपकी मदद नहीं कर रहा है, क्या करेंगे आप, डिलीट। सो रिपीट डिलीट, रिपीट डिलीट, रिपीट डिलीट, रिपीट डिलीट। जब आप ये लगातार करते चले जाएंगे, देन यू विल स्टैंडर्डाइज। अब आपको मालूम है अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो कौन से 10 काम आपको करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें परिणाम देती हैं। नो, व्हेन आई गो टू ट्रेनिंग इवेंट्स, आई गो विद वन ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज कॉल्ड रिजल्ट्स, राइट। मुझे ऐसा लगता है ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोई लाभ नहीं है जिससे रिजल्ट्स नहीं आते। तो चाहे मेरे वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हों, चाहे वो मेरी किताबें हों, चाहे वो मेरे लाइव इवेंट्स हों, राइट, आई स्ट्रक्चर एवरीथिंग with only one principle and with one objective, that is results and transformation। और यू नो, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मैं एक दावा करता हूँ, सुबह 9 बजे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ, शाम के 5 बजे तक चलने वाला है। आप 9 बजे लोगों की फोटोग्राफ्स निकाल लीजिए, उनका फोटो खींच लीजिए, शाम को 5 बजे दोबारा फोटो खींचिए, आपको सुबह 9 से शाम के 5 के बीच में उनके कॉन्फिडेंस में, आंखों में चमक में, चेहरे के नूर में आपको तुरंत विजिबल चेंज दिखाई देगा। यू नो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे मिला मुझे ये पाँचवा कॉन्सेप्ट है ना, जो बता रहा हूँ आपको, स्टैंडर्डाइज। मैंने 11 लाख लोगों को ट्रेनिंग दिया, और इन 11 लाख लोगों की ट्रेनिंग के बाद जब हमने देखा कि कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं, कौन सी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, और आपको क्यों मैं 14 साल वेस्ट करवाऊं, अगर मेरे 14 साल के 11 लाख लोगों की ट्रेनिंग का निचोड़ मैंने स्टैंडर्डाइज करके मेरे उस एक फॉर्मेट में, मेरे उस लाइव इवेंट में आपके लिए डाल दिया। आई डू अ 3-डे लाइव इवेंट जिसमें पूरी दुनिया भर से पार्टिसिपेंट्स आते हैं, और उस 3 दिन के लाइव इवेंट में
क्रांतिकारी रिजल्ट्स लोगों को मिलते हैं, ना सिर्फ बिजनेस में बल्कि लाइफ के हर पहलू में, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, पीस ऑफ माइंड में, हैप्पीनेस में. व्हाई? बिकॉज वी हैव स्टैंडर्डाइज्ड इट, राइट? ये 14 साल की तपस्या, 14 साल का निचोड़ हमने डाला. सो आपको भी स्टैंडर्डाइज करना है. जो चीज़ें काम कर रही हैं लगातार रिपीट करेंगे, जो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं डिलीट करेंगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months यू विल हैव अ वेरी गुड बेस विद यू दैट व्हाट एक्चुअली मेक्स यू सक्सेसफुल. और काइजन का छठा एस, वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेन, कंटिन्यू डूइंग गुड वर्क. आप में से बहुत सारे लोगों ने इन प्रिंसिपल्स को आज ये वीडियो देखने के बाद, हो सकता है आप 2 बार देखें, आप 3 बार देखें, आप उस वीडियो को देखने के बाद अमल करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे. आप में से कुछ लोगों को शायद एक दिन में रिजल्ट्स मिल जाएं, कुछ लोगों को एक हफ्ते में रिजल्ट्स मिल जाएं, कुछ लोगों के पास कुछ बड़े गोल हैं तो शायद एक महीने भर में रिजल्ट मिले. लेकिन आपको वहाँ रुकना नहीं है. जो आप एक दिन में, एक कुछ घंटों में, एक हफ्ते में, एक महीने में रिजल्ट निकाल रहे हैं ना, आप सोचिए अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले गए तो फिर एक साल के बाद आप कहाँ पहुँचेंगे. एक साल का ये रिपीटिशन और डिलीशन आपको कहाँ पहुँचा देगा. दैट विल बी क्रेजी एंड माइंड ब्लोइंग. रूल्स को फॉलो करिए एंड सस्टेन करिए चीज़ों को. काइजन क्या है, दोहराता हूँ जल्दी से. कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्रिएट करने का सिस्टम है. किसके थ्रू? स्मॉल, छोटे छोटे, टाइनी ऑन गोइंग चेंजेस से. सो काइजन इज वेरी सिंपल. यू कैन क्रिएट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बाय मेकिंग स्मॉल ऑन गोइंग चेंजेस. 6 स्टेप्स हैं, सरल एकदम. आप याद रखिएगा 6S. नंबर 1 स्कैन, नंबर 2 सॉर्ट, नंबर 3 सेट इन ऑर्डर, नंबर 4 शाइन, नंबर 5 स्टैंडर्डाइज, एंड नंबर 6 सस्टेन. इसको सस्टेन करिए आप, राइट? मुझे पूरा विश्वास है आप जिस भी फील्ड में इस 6S को अप्लाई करेंगे आपको कमाल के परिवर्तन, कमाल के रिजल्ट्स, पॉजिटिव चेंजेस मिलने शुरू हो जाएंगे. मैं बहुत उत्साहित हूँ आपके रिजल्ट्स जानने के लिए. तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इस फॉर्मूला को यूज़ करके क्या परिणाम मिले, और इन 6 में से सबसे ज़रूरी क्या था जो अब तक आप नज़रअंदाज कर रहे थे. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा, वो कौन सा था? जस्ट राइट इट इन द कमेंट, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड योर कमेंट्स, राइट? आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी योर ग्रोथ बिकॉज आई हैव वन लाइफ मिशन, एंड दैट इज आई वांट टू सी यू चेंजिंग, आई वांट टू सी यू एट द टॉप. आइए मिलकर कमाल करते हैं और इस दुनिया को और खूबसूरत और बेहतरीन बनाते हैं. लव यू गाइस.